नमस्कार मित्रों, जितने भी मेरे YouTube चैनल BS Entertainment के जो भी दर्शक हैं, आप सबों का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आप सबों को बतलाना चाहता हूं कि ये जो आप लोग मेरे पीछे एक बहुत ही विशाल भव्य मंदिर देख रहे हैं, ये भी काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये वो जो गंगा के तट पर जो विश्वनाथ मंदिर है, ये वो मंदिर नहीं है, बल्कि ये अपना जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसको बेचू कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के परिसर में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। चूँकि इस यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी, जो 1916 में बसंत पंचमी के दिन, जिसको हम लोग सरस्वती पूजनोत्सव के रूप में मनाते हैं, उस दिन इस यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे। और उनका एक मन में विचार था कि यहाँ एक भव्य काशी विश्वनाथ का मंदिर इस परिसर में भी हो, इस उद्देश्य से उन्होंने इस मंदिर का स्थापना भी किया था। और उनका मन में जो विचार था, ये एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, जो कि यहाँ जीता जागता रूप आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ, बनारस आते हैं तो बेचू देखना कभी मत भूलिएगा। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है, इसी द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और ये मंदिर प्रवेश द्वार पर कई प्रकार की दुकान जहां पूजा सामग्री भी उपलब्ध है। ये प्रांगण जो है मंदिर का पवित्र प्रांगण है, और इस पवित्र प्रांगण में पित मदन मोहन मालवीय जी का स्टैचू भी बना हुआ है। मंदिर के अंदर का दृश्य काफ़ी आकर्षक लग रहा है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। और ये जो आप लोग यहाँ प्रवेश द्वार के रूप में देख रहे हैं, ये जहाँ काशी विश्वनाथ के रूप में शिवलिंग स्थापित है, ये शिवलिंग तक जाने का द्वार है, और यही शिवलिंग यहाँ स्थापित किया हुआ है। यहाँ इस रास्ते से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, और ये मंदिर के बाहर का प्रांगण आप लोग देख सकते हैं, कितना प्राकृतिक दृश्य से सजा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर प्राकृतिक के गोद में अवस्थित है। ये मंदिर के पीछे का नज़ारा है, और ये ऊपर गुंबद कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर के परिसर में हम जिधर भी देखते हैं, चारों ओर एक अलग प्रकार का आकर्षक दृश्य है। अभी संध्या का समय है, और संध्या का समय में विद्युतीकरण भी इतना सुंदर तरीके से किया हुआ है कि आप लोग देख सकते हैं, मंदिर का गुंबद हो या उसका दीवार हो, बहुत ही सुंदर आकर्षक नज़ारा नज़र आ रहा है। सभी लोग यहाँ आ रहे हैं घूमने, समय निकाल कर जरूर आइएगा। यहाँ एक से एक ऐसा स्थान है देखने के लिए, चूँकि परिसर काफ़ी लंबा चौड़ा जगह में फैला हुआ है, और इस यूनिवर्सिटी में भारत के लगभग संपूर्ण राज्य से अध्ययन करने के लिए बच्चे आते हैं। यहाँ कॉमर्स का फैकल्टी, आर्ट्स का फैकल्टी, साइंस का फैकल्टी, साथ में जितने भी मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, वो सारे मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई होती है। उसके अलावे इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, और भी बहुत तरह के जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो सभी का पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में होता है। तो आप लोग ज़रूर आइए यहाँ घूमने, और हमारे साथ अपडेट्स बने रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।